सलमान खान के अंतरिम जमानत की मियाद आज खत्म हो रही है। सलमान के वकील आज हाईकोर्ट में जमानत की मांग करेंगे। हमारे एडिटर क्राइम रवि शर्मा जुड़े हैं, उनके साथ हमारे संवाददाता राजेश कुमार और आशीष सिन्हा भी मौजूद हैं। वहीं सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में अभिषेक शर्मा भी लाइव हमारे साथ होंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि हिट एंड रन केस का ये पूरा मामला आखिर है क्या। 28 सितंबर 2002 का ये मामला है। सिलसिला हम आपको पूरी घटना के बारे में बता रहे हैं, उस दिन क्या हुआ जिसके बाद आज ये फैसला आने वाला है। 28 सितंबर 2002 का ये मामला है। मुंबई के बांद्रा की एक बेकरी के पास ये पूरा हादसा हुआ, जब सलमान की गाड़ी की वजह से एक इंसान की मौत हो गई और कुछ लोग विकलांग भी हो गए। फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों पर सलमान की कार चढ़ गई थी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 4 जख्मी हैं, ये हमने आपको बताया। सलमान पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप है। सलमान की गिरफ्तारी हुई, पुलिस स्टेशन से उनकी बेल हो गई। हादसे की रात रेन बार गए थे सलमान खान, यानी कि रेन बार से लौट रहे थे सलमान जब यह हादसा हुआ, और रेन बार में बियर और खाने का ऑर्डर दिया था। यानी कि ये कहा जाता है कि उन्होंने शराब पी रखी थी। बार से निकलने के बाद 5-स्टार होटल में गए थे सलमान खान, ये भी दलील पेश की गई थी। 5-स्टार होटल से लैंड क्रूजर गाड़ी से वो निकले थे, इसी लैंड क्रूजर गाड़ी से हादसा हुआ था। कांस्टेबल रविंद्र पाटिल थे सलमान के बॉडीगार्ड। इस शख्स की गवाही बहुत ही अहमियत रखती है। कांस्टेबल रविंद्र पाटिल सलमान के बॉडीगार्ड थे और उनका बयान ये था कि सलमान गाड़ी चला रहे थे। और हम मुंबई चले, उससे पहले सलमान खान की आपको कल की तस्वीर दिखाते हैं। कल सलमान अपने घर से बाहर निकले। दरअसल सलमान वहीदा रहमान को छोड़ने उनके कार तक आए थे। वहीदा ने सलमान को गले लगाया और दुलार भी किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सलमान को वहीदा रहमान दुलार कर रही हैं, उनको ढांढस बधा रही हैं, और इसकी वजह से सलमान के चेहरे पर एक स्नेह मुस्कान भी है। और उनको छोड़ने के लिए बकायदा वो अपने घर से बाहर आए, उनसे गले मिल रहे हैं और उनको गाड़ी तक छोड़ने गए, उनके लिए दरवाजा भी खोला। ये देखिए, सलमान ने खुद वहीदा रहमान के लिए दरवाजा खोला, उनको गाड़ी में बिठाया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कल कौन कौन लोग आए सलमान खान से मिलने। गुरुवार को काले टी शर्ट और जीन्स में हंसते हुए नजर आए सलमान खान। ये बुधवार शाम जब लोअर कोर्ट से घर पहुंचे तो कैसे सलमान का चेहरा तनाव भरा था, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आंखें उनकी सूजी हुई थी। और तीसरी तस्वीर देखिए, बुधवार की सुबह जब सलमान कोर्ट के लिए निकले थे और पापा सलीम खान से गले मिले थे, तब की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सलमान खान की बेल याचिका पर आज करीब 11 बजे मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सलमान के वकीलों के सामने चुनौती होगी वो साबित करें कि लोअर कोर्ट ने सबूतों पर ठीक से गौर नहीं किया। सलमान की बेल बरकरार रहेगी या जाना होगा ऑर्थर और जेल? हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो क्या होंगे सलमान के कानूनी विकल्प? सलमान की फैमिली हो, उनके दोस्त हो या फिर उनके अनगिनत फैंस, सबके दिमाग में फिलहाल यही चल रहा होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट में 11 बजे जस्टिस अभय थिप से तय करेंगे कि सलमान खान को जेल जाना होगा या फिर उन्हें बेल मिलेगी। सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी सेशंस कोर्ट ने 6 मई को, और 6 मई की शाम को ही उनके वकील, सलमान खान के वकील बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे थे और 2 दिनों की उनको अंतरिम राहत मिली थी। कानूनी जानकारों की माने तो सलमान के लिए आगे की संभावनाएं खत्म नहीं हुई है। अगर बॉम्बे हाईकोर्ट में उनकी याचिका कबूल हो जाती है तो उन्हें रेगुलर बेल मिल सकती है, बशर्ते सलमान के वकील ये साबित करने में कामयाब हों कि सेशंस कोर्ट में सबूतों पर ठीक से गौर नहीं किया गया। जब केस चली तब जमानत पे थे, न्यायालय ने उन्हें जब जब न्यायालय के सामने बुलाया वो हाजिर रहे थे। ये बातों पे वो ज्यादा जोर देंगे अगर उनका अपील एडमिट हो जाता है तो, नहीं तो उनको कस्टडी में सरेंडर करना पड़ेगा। सलमान के वकीलों की पहली कोशिश ये होगी
के बेल पर सुनवाई और फैसले तक जमानत जारी रहे। जोधपुर काला हिरण के शिकार मामले में ऐसा हो भी चुका है। उस वक्त भी सलमान को 5 साल की सजा हुई थी, पर वो जमानत लेने में कामयाब रहे थे। इसके अलावा बचाव पक्ष हाई कोर्ट में संजीव नंदा और एलिस्टर परेरा केस का हवाला भी दे सकता है। हिट एंड रन केस में सुप्रीम कोर्ट ने संजीव नंदा को कम्युनिटी सर्विस का आदेश देते हुए कैद की सजा कम करके 2 साल कर दी थी, जबकि परेरा की गाड़ी से शराब की बोतल बरामद होने के बावजूद उन्हें सिर्फ 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अभियोजन पक्ष इसका कड़ा विरोध कर सकता है। विरोध की तैयारी तो बुधवार को भी पूरी थी, लेकिन जजमेंट की कॉपी न मिलने का हवाला देकर सलमान के वकील अंतरिम जमानत लेने में कामयाब रहे। ये भी हो सकता है कि सलमान को 7 जून के बाद की तारीख मिले, क्योंकि हाई कोर्ट में 10 मई से 7 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। इसके लिए सलमान के वकीलों ने बुधवार जैसी ही तैयारी कर रखी है। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली तो उनके वकील फौरन सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का मन बना चुके हैं। अगर सलमान खान का बेल रिजेक्ट होता है तो जस्टिस अभय थिप से उसको कह सकते हैं कि या तो आप सेशन कोर्ट में सरेंडर करें या फिर जिस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में उनका घर आता है वहां पर वो सरेंडर करें। कानूनी प्रक्रिया तय होगी, उनका मेडिकल होगा और उसके बाद उन्हें जेल जाना होगा। सबूतों, गवाहों और कानूनी नुक्तों के सहारे होने को तो कुछ भी हो सकता है। बुधवार को भी जब सलमान का जेल जाना करीब करीब तय हो चुका था, तभी कोर्ट के इस रियल लाइफ सीन में वरिष्ठ वकील हरीश सालवे की एंट्री हुई, जिसके कुछ ही घंटों बाद सलमान को बेल मिल गई थी। आशीष सिन्हा और रवि शर्मा के साथ कुमार राजेश, मुंबई, इंडिया न्यूज़।